अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव, कोरोना वैक्सीन मुद्दे पर घिरे राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, मुझे और देश को वैज्ञानिक पर भरोसा है, डोनाल्ड ट्रंप पर नहीं। चीन को जवाब की तैयारी, 2 महीने में दूसरी बार आला अमेरिकी अफसर ताइवान पहुंचे, चीन ने कहा भड़काने वाली हरकतें बंद करे अमेरिका। कोरोना दुनिया में, पाकिस्तान में 32 स्कूल संक्रमण के खतरे की वजह से बंद, ये 2 दिन पहले खोले गए थे। दुनिया में अब तक 3.03 करोड़ संक्रमित। ट्रंप पर यौन शोषण का आरोप, पूर्व मॉडल एमी डोरिस ने कहा 1997 में US ओपन के दौरान ट्रंप ने VIP रूम में मेरे साथ जबरदस्ती की। आइए साथ ही नजर डालते हैं खेल जगत की कुछ मुख्य खबरों पर। इस बार IPL कितना अलग, अनलिमिटेड कोरोना सब्स्टिट्यूट मिलेंगे, बॉल चमकाने के लिए लाल का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा लेकिन 2 वजह से इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। फ्रेंचाइजों को राहत, IPL शुरू होने के 1 दिन पहले UAE पहुंची इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के 21 खिलाड़ी, 6 दिन की बजाय 36 घंटे ही क्वारंटाइन रहेंगे। IPL का 13वां सीजन कल से, UAE में मुंबई को पहली जीत की तलाश, यहां खेले सभी 5 मैच हारी है, टीम पंजाब ने 100% मुकाबले जीते हैं। कोहली पर पूर्व कोच के आरोप, RCB के पूर्व कोच रे जेनिंग्स ने कहा कोहली मेरी बात नहीं सुनते थे, गलत खिलाड़ियों को स्पॉट करने के कारण टीम एक बार भी खिताब नहीं जीती। तो ये थी विदेश और खेल जगत की कुछ मुख्य खबरें, ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी। नमस्कार।